हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूडी से कौन है और देने कौन है डिश के साथ। आज मैं बना रही हूँ लौकी की खीर, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हो और बनाना बहुत ही आसान है और ये साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होते हैं, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो चलिए आज की एक मजेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लौकी की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 250 ग्राम लौकी लिया है, जिसे मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ करके ग्रेट कर लिया है। तो हम सबसे पहले लौकी को भूनेंगे, तो हम यहाँ पे बिना घी के 2 से 3 मिनट लौकी को भूनेंगे, जिससे इसका जो भी पानी है ना वो बिल्कुल अच्छे से रिड्यूस हो जाए। ध्यान रहे, लौकी को स्पीस करके उसका पानी निकाल के नहीं यूज करना है, उसको पानी के साथ ही यूज करना है। तो अभी हम इसे 1 से 2 मिनट बिल्कुल अच्छे से भूनेंगे। लौकी की हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, हमारे हेल्थ को हेल्दी रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और साथ ही साथ वेट लॉस में भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। तो हमें लौकी को किसी न किसी फॉर्म में जरूर लेना चाहिए। तो ये देखिए, लौकी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। तो अब मैं इसमें लगभग 3 टेबलस्पून देसी घी यूज कर रही हूँ। तो अभी इसे 2 से 3 मिनट हम देसी घी में भूनेंगे, जिससे इसका पूरा कच्चापन जो है ना, थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा ना लगे। इसके लिए हमें बिल्कुल अच्छे से इसे कच्चापन दूर होने तक भूनना है। तो देखिए, लौकी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल पानी अच्छे से रिड्यूस हो गया है। तो अब मैं इसमें 1/2 कप दूध ऐड कर रही हूँ। तो दूध के साथ अभी हम इसे 4 से 5 मिनट और भूनेंगे, जब तक कि दूध बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता, ये दोनों बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। तो देखिए, इसमें उबाल आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मावा ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। बिना मावा के भी ये खीर बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, लौकी और दूध बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें 1.5 कप दूध ऐड करूंगी। तो टोटल मैंने यहाँ पे 2 कप दूध ऐड किया है और 1 उबाल आने तक हम इसे ऐसे पकाएंगे। तो ये देखिए, दूध में उबाल आने लगे हैं। तो मैं इसमें 1/4 कप शुगर ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करें। और इसे थिक होने तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई नट्स ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काजू और बादाम लिया है, आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई नट्स ऐड कर सकते हैं। किशमिश को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फ्लेम को ऑफ करने के बाद ऐड करें, मैं यहाँ नहीं ऐड कर रही हूँ। तो अभी ये थोड़े थिक हो गए हैं, तो 1 से 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे। तो एकदम लास्ट में हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड करेंगे। तो इलायची पाउडर जरूर ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारे जो खीर है वो बिल्कुल रेडी है। तो आप चाहे तो इसे ठंडा ठंडा भी सर्व कर सकते हो, गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं। ठंडा सर्व करेंगे तो वो ज्यादा टेस्टी लगता है। तो जिन लोगों को लौकी बिल्कुल नहीं पसंद, उन्हें ये खीर बना के खिलाइए, उन्हें लौकी से प्यार हो जाएगा। तो चलिए, मैं इसकी फटाफट से प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो कैसी लगी मेरी हेल्दी और टेस्टी लौकी की खीर आप सबको? आप सब इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करेगा। इस रेसिपी को आप फास्ट में भी खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स करेगा, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए और सेफ रहिए।